उपयोग में लाते हैं। रुपए जैसे कार्ड अब 1100 बैंकों में उनके 560 मिलियन ग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं और ये कार्ड 10 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हर महीने कर रहे हैं। अच्छा पहले आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं सर। राहुल भैया चाहते हैं कि नहीं चाहते? सर हमें तो महेश शर्मा जी से मतलब है सर। महेश शर्मा तो चाहता है कल से ही राम मंदिर का काम शुरू हो जाए, बस हमारी बात मिल गई सर। लेकिन हम एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उस संवैधानिक जिम्मेदारी को समझते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट में ये विषय अभी लंबित है, सहयोग से माध्यम से, सहमति के माध्यम से राम मंदिर बने। लेकिन ये मेरी भी इच्छा है, देशवासियों की, करोड़ों राम भक्तों की इच्छा है कि देश में एक भव्य राम मंदिर बने। और वह राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा? सर क्या 2019 का दीपावली पूजन अयोध्या में होगा? सर 2019 का मुद्दा फिर हम सब चाहते हैं कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने और जल्दी बने। लेकिन संवैधानिक पदों की गरिमाओं को देखते हुए, उसमें जो कुछ विषय हैं और कोर्ट में लंबित विषय के कारण जो कुछ अड़चने हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। तो आपको इसमें क्या लगता है कि क्या यूपी ग्रो कर रहा है? देखिए आज जब विश्व की हम छठी अर्थव्यवस्था हैं और पाँचवीं बनने की MSME का योगदान इस अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा है। और पिछले कुछ दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि जो MSME की समस्याएं हैं, बड़े उद्योगों के वो कहीं ना कहीं बीच के सप्लायर बन गए थे, उनका माल सप्लाई करने में दिक्कत आती थी, उनके माल की पेमेंट वापस आने में दिक्कत आती थी, बैंकों से जो ब्रिज लोन और लिक्विडिटी की जो समस्या थी उसमें दिक्कत आ रही थी, NPA जो लोन बन जाते थे उनके अंदर दिक्कत आ रही थी। इन सभी समस्याओं को एक अम्ब्रेला तले लाकर MSME मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये योजना शुरू हुई है, जहां देश भर के कोने में हम लोगों ने 14 बिंदुओं पर ध्यान देकर MSME उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जो सोच बनी है। MSME समाधान एक विंडो के तले उनके समाधान हो, MSME संबंध, ताकि एक मार्केट हो और एक क्लस्टर्स के अंदर हम उन जगहों को एकत्र करें ताकि उनकी ज़रूरतें एक जैसी हों, उनके विषय एक जैसे हों, उनकी समस्याएं एक जैसी हों, क्लस्टर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर उन क्लस्टर्स को माध्यम से। और जो हमारी योजनाएं चली थी कि NPA के अंदर जैसे 90 से 120 दिन के अंदर होने के बाद NPA हो जाते थे, इसमें 180 दिन तक की विशेष छूट देकर MSMEs को विशेष छूट देने की योजना बनी है। TPN नंबर देने के अंदर खासतौर पर एक योजना बनी है। और बाकी जो हमारी चार ऐसी योजनाएँ जो MSME से जुड़े हुए कर्मियों के लिए खासतौर पर योजनाएँ हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, 1 रुपए महीने के अंदर एक बीमा योजना, जनधन योजना, बाकी सब योजनाओं की बात है। सब पर्यटन के क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का भला कब होने वाला है? पर्यटन मेरे पास अब जलवायु परिवर्तन के चलिए, लेकिन सर जिस तरीके से प्रदूषण इस समय स्मॉग पूरे दिल्ली में, पर्यटन से जोड़ के इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, तो अब आपके पर्यावरण तो पर्यावरण सुधारेंगे जब भी टूरिस्ट पर्यटन के लिए आएगा, तो सर सहमत हूँ, देश का पूरा वातावरण जब सुधरेगा उसमें पर्यावरण का खासतौर पर महत्व है, सुरक्षा से लेकर, स्वच्छता से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर, ये सभी पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े हुए विषय हैं। और पर्यटन के अंदर गुणात्मक परिवर्तन आए हैं, हमने 40 पॉइंट ऊपर आए हैं, हम 65वें स्थान से लेकर 25वें स्थान पर आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ भारत का पर्यटन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जहाँ विश्व की पर्यटन की प्रगति दर मात्र 4 से 5% है, भारत की प्रगति दर 11 से लेकर 12% के बीच में है। ये अपने आप में एक विषय है कि जो पर्यटन के अंदर भारत के लोगों का विश्वास बढ़ा है, भारत के पर्यटन में निवेश में विश्वास बढ़ा है और भारत की पहचान अब एक अलग राष्ट्र